दो जेसीबी को आग हवाले किया गया। जांच में जुटी पुलिस। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी। घटना नक्सली या अपराधी संशय में पुलिस। लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत टुनगुन आंगनबाड़ी कैंप्स में खड़ी जेसीबी को भाकपा माओवादी ने किया दो जेसीबी को आग के हवाले। हथियारबंद 5-6 लोग के दस्ते ने आग लगाकर ड्राइवर को अपने आप को भाकपा माओवादी बताकर चले गए। आए अपराधी ड्राइवर को बोला कि गाड़ी से डीजल निकालो। ड्राइवर ने बताया कि नया वाला गाड़ी में डीजल निकालने का सिस्टम नहीं दिया गया है। अपने साथ लाए किरासन तेल जेसीबी में डालकर आग लगाते हुए बोले कि संवेदक फ़ोन नहीं उठाता है, बोल देना। बकाया रकम पहुंचाने के लिए चालक का मोबाइल का सिम निकालकर तोड़ते हुए घटनास्थल से रवाना हो गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है कि घटना का अंजाम नक्सली द्वारा दिया गया या फिर किसी अपराधी ने दिया है। संवेदक शंकर साहू ने 50 लाख रुपए की क्षति की बात कही। लावालौंग संवाददाता मोहम्मद साजिद। ये प्रधान मोड़ तक आपने जो काम लिया है और रात में इस तरह की घटना घटी है, जेसीबी जला दिया गया है, इस पर आपकी क्या जानकारी, क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, हमको लगभग 12:30 बजे रात में कॉल आया कि दोनों जेसीबी में आग लगा दिया गया है। मेरा ऑपरेटर वहीं सोया हुआ था और उसके बाद हमको जैसे सूचना मिला, हम तुरंत थाना प्रभारी को रात में कॉल किए। सुबह आए हैं तो देखिए दोनों गाड़ी जली हुई है और लगभग इसमें ये नई गाड़ी है, इंश्योरेंस इसका है, लेकिन दोनों गाड़ी लगभग मिला के 40-50 लाख का नुकसान, 50 लाख का नुकसान। आपको क्या जानकारी मिली, किन लोगों ने ये गाड़ी जलाया? ये मेरे ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि माओवादी के द्वारा जलाया गया है और वो लोग मेरा नाम लिया कि शंकर साहू का ही रोड है और ये गाड़ी है, उसको बोल देना वेट करने के लिए और पैसा ले आने के लिए। कितना का डिमांड किया गया आपसे? डिमांड नहीं बताया। टुनगुन गांव में दो जेसीबी फूंक दिया गया है, बताया जा रहा है कि यह घटना किसी नक्सली संगठन का, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है सर, इस पर कुछ कहेंगे? कल जो है सो इस तरह का घटना घटा, रात की घटना है। अभी हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं, थाना प्रभारी भी है, हम लोग भी हैं, सारे लोग घटना का सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जिस तरह का निकल करके आएगा तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।